नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। और आज हम पहुंचे हैं चरखी दादरी के गांव साहुवास के खेतों में। और यहां पर आप मेरे पीछे यहां पर देख पाएंगे काफ़ी भीड़ यहां पर एकत्रित है। काफ़ी सारे गांव के जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हैं, ग्रामीण जो हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूँ, इरीगेशन विभाग के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और साथ ही साथ उनके पुलिस भी जो है काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। और मामला यहाँ पर है, कुछ पाइपलाइंस हैं, पानी की पाइपलाइंस हैं और उनको जोड़ने के लिए आज प्रशासन के द्वारा यहां पर जो दल बल है वो भेजा गया था, लेकिन उसी का विरोध करने के लिए यहां पर गांव साहुवास के जो ग्रामीण हैं वो पहुंचे हुए हैं। आप लोगों को एक तरफ मैं दिखा देता हूं, महिलाएं भी यहां पर काफ़ी संख्या में यहां पर पहुंची हुई हैं। इनके द्वारा जो पाइपलाइन जो दबाई गई है और उनको दोबारा से जोड़ा जा रहा है, उनका विरोध किया जा रहा है। और काफ़ी सारे जो ग्रामीण हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर ये सभी लोग पहुँचे हुए हैं। और हमारे साथ भी भाई मौजूद हैं, इन्हें से ज़रा जान लेते हैं कि क्या कुछ मामला ये है, क्या कुछ इनके द्वारा कहा जा रहा है, क्या कुछ अब प्रशासन के साथ इनकी बातचीत हुई है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश भाई, मामला क्या है और क्यों इतना विरोध जो है हो रहा है? विरोध ये है कि कम से कम 4-5 लाइन अवध तरीके से, जिसकी ना कोई प्रशासन से मंजूरी ले रखी, ना किसान भाई से, उनकी फसल को रात को ट्यूबवेल चला करके और दिन में बंद कर देते हैं। और गरीब जो भोले वाले दलित बैकवर्ड 36 बिरादरी भाइयों की फसल बर्बाद कर दी जाती है और एक बाड़ी की फसल बर्बाद करके ये चाहते हैं कि लाइन चलाने से धान बू जाएंगे। और ना तो नाला है ना कोई मोरी है, ये तो पत्रकार भाई खुद जाके देख लो। मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि जो आप बता रहे हो कि अलग से कुछ चीजें बनाई गई हैं और लगाई गई हैं, अवैध आप उनको बता रहे हो, लेकिन अवैध किस प्रकार से आप उनको बता रहे हो, क्या अवैध का है? क्योंकि आज तो प्रशासन खुद उन्हीं लाइनों को जोड़ने के लिए पहुंचे, तो अवैध कैसे हैं पहले तो बताएं। अवैध इसलिए है, आप विद्रोह पर जाके देखो, नहर पे 100 फुट के फुंडिये लगाए जाते हैं, चोरी करी जाती है पानी की। हमने SDO साहब को दरखास्त दे दी, एक्शन साहब को दे दी, हम SC से मिले कुछ लोग, सरपंच साहब भी मिला है, लेकिन कोई खास जवाब नहीं है। तो ग्रामीणों ने आकर के लाइन काटी है और आज रोड जाम करने की नौबत भी आपने देख ली, महिलाएं भी काफी आई हुई हैं। तो आज रोड जाम किया गया? हाँ, पूरा गांव भी आया हुआ है, लेकिन पुलिस के कहने से हमने रोड तो हटा दिया, लेकिन उन्हें आश्वासन दिया भी अब जो लाइन है हटवा देंगे। एक आदमी पूरे गाँव को बर्बाद कर रहा है, पूरे गाँव की जाके देखो, दलित बस्ती में आदमी जीड़ा नहीं, रात को लैटरिंगों की जो कुई का पानी है ना वो उनके थाली में आ जाता है। क्या तो एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, मामला कहाँ से शुरू हुआ है? क्या जैसे पीछे कुछ दिनों पहले हम एक देख रहे थे, धानों का एक मामला आपके गांव का उछला हुआ था, तो धान लगाने के ऊपर दो गुट बने हुए थे, तो क्या उसी मामले में ही ये सारी चीजें कार्रवाई हो रही है? हमारे गांव में कोई गुट नहीं है, एक दो आदमी हैं, गुट नहीं, दो आदमी हैं, वह दिखाते हैं कि मूछ का सवाल है। अरे गाँव में 36 बिरादरी दलित भाई बैकवर्ड सबको अच्छी जीने का अधिकार है, क्या उन दो आदमी जीने का अधिकार थोड़ी है? एक पूरे गाँव की जमीन को बर्बाद करे दो आदमी, आप देखो गाँव में खेती है, बाड़ी है, फसल है, जाई देखो आप गाँव में भारी फसल है, उसको रात को लाइन चला करके बर्बाद कर रहे हैं। ये कुर्सी दूसरों के खेतों में पानी भर दिया? हाँ, खुद के खेतों में भर देते हैं तो हमारी जमीन में सेम चली जाती है। अच्छा, 20-20 किलो तक फसल बर्बाद हो जाती है। मतलब दूसरों के खेतों में तो पानी नहीं भरा जा रहा? ना भरा जाता है, खुद के खेत से दूसरों खेतों में पानी चला जाता है। अच्छा, हाँ, और रात को जब बरसात होती है ना तो गाँव वाले सो जाते हैं, तो रात को अवध तरीके से वो पाइप लाइन चलाई जाती है। ठीक है, तो आज ये प्रशासन सारा आया हुआ, उन्हीं लाइनों को शायद जुड़वाने की बात की जा रही है। हमने भी SDO से बात की थी, जो यहाँ पर भेजे गए हैं लाइनों को जुड़वाने के लिए, उनके द्वारा बताया गया कि किसानों की लाइनें हैं, उनको जोड़ने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो ग्रामीणों का विरोध देखते हुए अभी ग्रामीणों के साथ बातचीत चल रही है। तो भाई जब ये आज पहुंचे हुए हैं तो अब इनको काम करने दिया जाएगा या इनका काम रुकवाया जाएगा? नहीं, पूरा गांव लैंड ही जोड़ने देगा, क्योंकि लाइन अवत है। हमने कह दी प्रशासन को, आप अनुमति की लाइट दिखा दो, हम जोड़ लेंगे। इनके पास अनुमति? अनुमति कुछ नहीं, किसी लाइन वाले के पास अनुमति है। हमारे खेत में अगर ठंड जोड़ दे तो प्रशासन जिम्मेवार होगा, कोई भी आदमी को कोई हादसा हो गया तो प्रशासन जिम्मेवार होगा, उनके पास अनुमति नहीं है। लाइन वाले के पास कुछ तो होगा प्रूफ है, अभी मैंने सरकार को पैसे भरे या कुछ भी है, अब तरीके की लाइन को नहीं जोड़ने देंगे हम जी। गवर्नमेंट की कोई लाइन हो, हमें कोई एतराज नहीं। ठीक है, तो ये जो आप बता रहे हैं, कुछ एक लोग आप बता रहे हैं कि वो ये काम करवा रहे हैं, तो कौन है वो लोग? क्या गाँव के हैं या गाँव से बाहर के लोग? नहीं, गाँव के हैं, हमको डरते थोड़ी है, शक्ति नंबरदार है। पिछली बार लाइन बंद, लाइन कटवाने में भी था वो, जो लाइन धान लगाने में वो पिछली बार प्रशासन से उन्होंने लाइन कटवाई थी। अच्छा, उन्होंने बताई थी जमींदार खेत में बना अनुमति लाइन नहीं दाब सकता, गाँव को तो पता भी नहीं था, बड़े बड़े किसान थे, उसी ने जगह ये जो धान लगा रहे हैं।
तीन साल से धान पहले भी बंद है और गांव में सिर्फ सेम की वजह से धान हमारी जमीन है, नूनी की जमीन है, खारा पानी है। गांव की पंचायत ने ये फैसला पास किया था कि गांव में कोई धान नहीं लगाएगा। गांव के लोकल जो पंचायत है ना, पूरी लोकल पंचायत, उसने लोकल पंचायत ने फैसला लिया है। लोकल पंचायत गांव के पूरे 36 बिरादरी के मौजूद आदमी, और परसों डीसी साहब से दलित समुदाय के लोग गए थे, उनको रात ने घरों में धमकाया गया था, अब तुम खेतों में बढ़नी हो, तेरी महस बढ़ गई तो पा काट लूंगा। तो आज ये लोग उन दलित भाइयों की रक्षा के लिए, हम आज नहीं आगे भी उनकी मदद के लिए तैयार रहेंगे हमेशा। जी, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो मामला है, कहीं ना कहीं जो गांव में अलग से ज्यादा पानी जो डाला जा रहा है या अपने खेतों में धान बोए जा रहे हैं उनमें जहाँ ज्यादा पानी डाला जा रहा है उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये मामला सारा सामने निकल के आ रहा है। महिलाएं भी हैं, महिलाओं से जरा जान लेते हैं। जी क्या मामला है ताई जी? जी हाँ, गरम पानी भर जाता बेटा, भर जा रोज पानी की। कितना पानी भर जाता आप लोगों के वहाँ? रोटी खावा जिन मर तो बांस आओ छड़े पानी बाहर निकला है। हाँ जी, लैटरिन की कुई का पानी बाहर निकला है जी, जी। तो खेतों में पानी भरने की वजह से ये चीज हो रही है? हाँ, पानी भर तो गांव की पंचायत क्या कह रही है? गांव की पंचायत रखवाना भैया, धान नहीं लग रहा चाहिए, लाइट बंद होनी चाहिए। और हम भी ऐसा वहाँ जी, कित लकड़ा भाई कित बाढ़ नहीं लकड़ा कित गोबर गेरा जी, बच्चे जी। और भी कुछ नुकसान हो रहा है क्या जो पानी भर रहा है उसकी वजह से? तो आज ये प्रशासन आया हुआ, इनको लगाने देंगे पाइपलाइन जो ये लगा रहे हैं? हम नहीं लगाने जाएंगे, धान नहीं लगने दिया, आप समझ सकते हैं कि काफी ज्यादा रोष है ग्रामीणों के बीच में, और ग्रामीण जो हैं वो लगातार जो जिस प्रकार से लाइनें जोड़ी जा रही हैं पानी की, उनका विरोध यहां पर कर रहे हैं। उनके द्वारा यहां पर ये भी कहा जा रहा है कि गांव में धान लगाने की वजह से लोगों के घरों तक भी पानी पहुँच रहा है और ये जो है उनके लिए बड़ा मुसीबत का कारण बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी बड़ी संख्या में, एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है चरखी दादरी पुलिस यहाँ पर पहुँची हुई है और गांव साहुवास के ग्रामीण यहाँ पर एकत्रित हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो विभाग से कुछ लोगों को भेजा गया है, इरिगेशन डिपार्टमेंट से कुछ लोगों को भेजा गया है, जिनको कहा गया है कि जो लाइनें जो लगाई गई हैं उनको वापस से जोड़ा जाए, क्योंकि जो लाइनें थी वो कुछ समय पहले काट दी गई थी और उन काटी हुई लाइनों को यहाँ पर जोड़ने के लिए यहाँ पर जो तमाम जो प्रशासन है वो यहाँ पर पहुँचा है, लेकिन गांव वालों का विरोध देखते हुए अभी तक जो कार्य है वो शुरू नहीं हो पाया है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जिस प्रकार से अभी हम ग्रामीणों से बात कर रहे थे तो उन्होंने के द्वारा भी यही चीज़ कही गई है कि वो किसी भी हालत में इन पाइपलाइनों को जोड़ने नहीं देंगे, क्योंकि उनकी उसकी वजह से उनके घरों तक भी पानी पहुँच रहा है, उनके घरों में नुकसान हो रहा है, साथ ही साथ जो आसपास के जो दूसरे खेत हैं उनमें भी उनके वहाँ पर नुकसान हो रहा है। तो बड़ी बात यही है कि नुकसान से बचने के लिए जो ग्रामीण हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आज एक साथ लामबंद हुए हैं, और जो प्रशासन जो पाइपलाइनों को जोड़ने के लिए पहुंचे थे उनको यहां पर रोका गया है। हालांकि अगर यहां पर मैं आप लोगों को बताऊं कि ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जो पाइपलाइनें हैं वो अवैध रूप से लगाई गई हैं, हालांकि इस बारे में जो प्रशासन है वो क्या कहता है उसके ऊपर देखना होगा। हमने भी चरखी दादरी से जो SDO हैं इरीगेशन के वो यहाँ पर उनको भेजा गया, उनसे बात की थी तो उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें ऊपर से आदेश मिले थे कि इन लाइनों को जोड़ना है और लाइनों को जोड़ करके आगे का कार्य शुरू करवाना था, लेकिन अभी ग्रामीणों का विरोध देखते हुए उनके द्वारा अभी काम रोका गया है। लेकिन अभी जो है वो ग्रामीणों के साथ बातचीत कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस प्रकार से आगे काम शुरू किया जा सकता है। आप भी सुनिए कि किस प्रकार से उनके द्वारा जो पूरी बात हमें बताई गई है। सर, मेरी आज ड्यूटी जो है ड्यूटी में स्टेट की, और ये पाइप लाइन जोड़ने के लिए यहाँ पे मैडम ने मेरी ड्यूटी लगाई है, डीसी मैडम। किस चीज़ के पाइप लाइन है सर? ये पानी कनेक्शन के है। तो नहर महकमा के हैं या फिर जो जन स्वास्थ्य विभाग की जो लाइनें हैं? ये नहीं, इनकी खुद की है, जमींदारों की। जी जी, तो उनको सरकार जो प्रशासन है वो क्यों जुड़वा रहा है? ये मैडम के आदेश हुए हैं जी जी। तो अभी पूरा गांव जो है सामने खड़ा है आपके, तो विरोध कर रहे हैं आप लोगों का जी, तो क्या कारण है सर विरोध करने का? ये तो सर ये बता नहीं सकते क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप इसके विषय में कुछ नहीं। तो पुलिस भी आपके साथ आई है, पूरे दलबल के साथ आप लोग यहाँ पे पहुँचे, तो काम करवाया जाएगा सर? अभी कोशिश तो ये सर काम हो जाए जी। तो ये जो पाइप की लाइनें जो दबाई गई हैं कहीं सिंचाई के लिए काम में इस्तेमाल की जा रही हैं सर? किस चीज़ में की जा रही है? सिंचाई के लिए सर जी। तो
और कहीं जैसे धानों का भी कुछ मामला बताया जा रहा है कि धान लगाने पर कुछ पाबंदी लगवाने की ये मांग कर रहे हैं जी, तो उस पर कुछ बातचीत हो पाएगी इनकी? वो सर ये गांव का आपस का है, वो इन पे डिपेंड करता है। तो आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार से SDO जो हैं वो बता रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा उन्हें आदेश दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जहाँ ग्रामीण जो हैं सहवास के वो विरोध कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ यहाँ पर दूसरे गांव से भी लोग पहुँचे हुए हैं, उनसे भी ज़रा बात करते हैं। भाई कहाँ से पहुँचे हो? अलीगढ़ से। तो आप लोगों को भी नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है जी, जल स्तर ऊपर आ गया जी, पूरे घर में तरार आ रही है, सब कुछ सारा नुकसान हो गया। अच्छा, तो आपके खेतों में भी नुकसान है या घर में नुकसान? खेतों में नूनी आ गई ऊपर। अच्छा, खेत बुए नहीं रहे, पानी भरा खेतों में जी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं अकेला एक गांव ही नहीं, दूसरे गांव में भी नुकसान हो रहा है। भाई साहब आपके वहाँ पर किस प्रकार का नुकसान? कौन से गांव से? फतेहगढ़ से। तो आपके भी नुकसान हो रहा है? बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है जी। धानों से धान बोए जा रहे हैं यहाँ पर? ये सवा धान बोते हैं, फतेहगढ़ में पानी चले जाते हैं, लाइन खुली छोड़ देते हैं। जो पाइप की लाइन लगाई गई उनको खुला छोड़ दिया जाता है? अच्छा, तो आप जब वो लोग खुला छोड़ते हैं तो उनसे बातचीत नहीं करते कि उनको बंद किया जाए? करी थी, फिर वो मानते मानते नहीं आप लोगों की बात? 2 साल पहले तो मान गए थे, पूरे गाँव ने बंद कर दिया था, बहुत पैदावार बढ़ गई थी, फिर इब का फिर ये सिलसिला ठा लिया जी। तो अब क्या किया जा रहा है? अब देखो क्या किया जा रहा है, क्या करते हैं। विरोध कर रहे हैं लाइनों को जोड़ने का? विरोध कर रहे हैं जी, नहीं जुड़े लाइन जोड़ने का विरोध नहीं, धान नहीं बोने का जी। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अब लाइनें चाहे बेसिक से जोड़ दी जाएं, जैसे कि अभी यहाँ पर कहा जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा, लेकिन धान बोने का जो है विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। बड़ी बात यही है कि धान बोने की वजह से जहाँ जो जल स्तर है वो ऊपर आ रहा है, और जिस वजह से जो आसपास के जो दूसरे खेत हैं या दूसरे जो घर हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये बड़ी चीज़ है, लोग अपने नुकसान को कहीं ना कहीं बचाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर साफ साफ ये सभी के द्वारा कहा जा रहा है कि लाइनों को जोड़ने का कोई विरोध इस प्रकार का नहीं है, लेकिन हालांकि जिस प्रकार से लाइनें जब जुड़ेंगी तो उस प्रकार उसके बाद जो धान बोए जा रहे हैं उनका यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। तो बड़ी बात यही है कि धानों का विरोध यहाँ पर हो रहा है, हालाँकि धान बोना या ना बोना ये किसी भी जो किसान का मामला है वो खुद का उसका फैसला होता है। तो ये ज़रूर देखना होगा कि क्या इसमें प्रशासन कोई कार्रवाई कर सकता है या नहीं। हालांकि अगर हम हरियाणा सरकार की बात करें तो हरियाणा सरकार बार बार कुछ स्कीमें लेकर के आती है जिसमें उनके द्वारा ये कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो किसान है वो अगर ध्यान नहीं लगाएगा तो उसको कुछ अलग से पैसा भी दिया जाएगा। तो वो ऐसी योजनाएँ भी हरियाणा सरकार के द्वारा लाई गई हैं, लेकिन किसी भी तरीके से धानों का पूर्ण रूप से उनके ऊपर बैन लगाना ये ना हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है, ना ही प्रशासन के द्वारा किया गया, ना ही किसी पंचायत के द्वारा किया गया है। तो बड़ी बात यही है कि आपसी सामाजिक फैसला है, और इस सामाजिक फैसले पर किस प्रकार से जो तमाम जो जैसे अलग अलग गांव के जो लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं उनके बीच में किस प्रकार से फैसला हो सकता है वो देखना होगा। हालांकि एक बार मैं आप लोगों को फिर से दिखा दूं कि यहां पर महिलाएं पहुंची हुई हैं, ग्रामीण काफ़ी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं, पुलिस बल यहां पर पहुंचा हुआ है, और विभाग के जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, और उन सभी की कोशिश यहां पर है कि किसी तरीके से बीच बचाव का कोई रास्ता निकाल करके और जो कार्य है उसको करवाया जाए। हालांकि ग्रामीणों के द्वारा ये साफ साफ कह दिया गया है कि अगर लाइनों को जोड़ा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लाइनों को जोड़ने के बाद जो किसान हैं वो धान लगाना शुरू करते हैं, जिससे उनके घरों में और खेतों में काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो बड़ी बात यही है कि उस नुकसान से बचने के लिए यहाँ पर ये जो विरोध है वो किया जा रहा है। सड़क के ऊपर अभी जो ग्रामीण हैं वो जमा हैं, देखना है कि किस प्रकार का यहाँ पर फैसला निकलता है और क्या कुछ फैसले के बाद जो ग्रामीण क्या उन फैसले से संतुष्ट हो पाते हैं या नहीं। आपने जो मुद्दे जो बातें रखी है उनके बारे में उस अधिकारियों से बात की है, आगे के बारे में 11:30 बजे सोमवार को टाइम दिया, लेकिन वही आना है दोनों पक्षों को और वही बातचीत होगी मैडम के आगे। तो उसमें आप पाँच सात आदमी सारे की बजाय पाँच सात आदमी जो मामले से परिचित हैं बातों के बारे में पता है वो अपने आप सुन ले, जो जिनको बातों के बारे में नॉलेज है कानूनी बातों का भी सामाजिक का भी भाई साहब। ठीक है, ठीक है जी। और वो आदमियों के नाम दे भी देना, हमारे को इनको भी दे देना, मेरे को भी दे देना, हम बता देंगे, उधर से भी हम ले लेंगे इसी तरह से, और आपकी मीटिंग वहाँ करा देंगे। आप जो भी आपके मुद्दे हैं जो भी बातें हैं वो सारी वहाँ रख सकते हैं। अरे
कहने की के ऑर्डर लिखवा के ले लेंगे अधिकारी नहीं वाले पड़ जाके अरे भाई कौन सी गांव है सर कोई भी गलत काम नहीं करेगा हम तो सारा काम आ गया रोटी भूखा था सातर के रोटी नहीं खा रखी और वो खा खा के 10 10 रोटी आराम से हम सो हैं वो हम आगे बोला उन्होंने के चाचा फुको अब क्यों चाहिए था तो उन्हें क्या करो उन्हें केस है बस तो फिर अभी नहीं जा रहे आप परमिशन लेके आए हो ना परमिशन लेके आए हो मतलब आप हमको कुछ नहीं कह सकते लेकिन आप मेरे खेत में दूसरे आदमी की लाइन नहीं जोड़ सकते ये कहां से परमिशन हम नहीं चाहिए हमारे खेत में लाइन नहीं साहब के पास आके आ गए उन्होंने हमको कहा था चलो प्रशासन आपके साथ आ रहा क्या करवाना है वो कटवाने के लिए भेज रहे थे आज आप जोड़ने के लिए अभी ना हमको आपकी परमिशन देखनी भारत है जे आदेश दिए थे डीजी साहब ने ये आदेश दिए थे चलो लाइन कटवा देंगे। काफी देर तक हुई बातचीत के बाद अब कुछ हल निकलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ से वापस जा रहा है और यहाँ पर ग्रामीणों को एक बात कही गई है कि जो पुलिस प्रशासन और जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे यहाँ पर उनकी चरखी दादरी डीसी से बात हुई है और उनके द्वारा जो ग्रामीणों को अपने ऑफिस में बुलाया गया है वहीं पर इस मामले के बारे में पूरी जानकारी वहीं पर ली जाएगी और यहाँ बाकायदा एक समय को दे दिया गया है। आप भी सुन लीजिए कि किस प्रकार से समय दिया गया और ग्रामीणों का उसके ऊपर भी क्या कहना है। कई दिनों से गांव के जमींदारों में मतभेद है, कुछ लोग जीरी की फसल लगाना चाहते हैं कुछ नहीं लगाना चाहते हैं, जो धान की फसल नहीं लगाना चाहते हैं उनका आरोप है कि गांव के लोग जिन्होंने पाइपलाइन ने दबाई हुई है वो नहर से पानी चोरी करके लेके आते हैं, उससे गांव में पानी भर जाता है। तो उन इसी के चलते उन्होंने इसी मतभेद के चलते कई दिन पहले गांव के कई व्यक्तियों की जन पाइप लाइनें काट दी गई थी, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज है। उपायुक्त महोदय चरखी दादरी के आदेश अनुसार आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए थे इन पाइप की लाइनों को दोबारा से जुड़वाने के लिए। तो गाँव वालों ने अपना पक्ष रखा है कि भाई इन्हीं लाइनों की वजह से भाई गांव में पानी भर जाता है, वह अन्य बातें रखी हैं जिसके बारे में उनकी बातों को सुना गया है। प्रशासन में उच्च अधिकारियों से बातचीत की गई है और आगामी बातचीत के लिए सोमवार को जो ना उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग तय हुई है। किसी की पर्सनल लाइनें जुड़वाने के लिए प्रशासन क्यों आया हुआ है सर? इस बारे में जो ना नहीं कहा जा सकता, ये पर्सनल लाइनें हैं। सरकार का जो ना विधेयक है, कानून है कि कोई भी व्यक्ति अपने खेत में पानी ले जाने के लिए किसी भी खेत के नीचे से जो ना 3 फुट नीचे से पाइप लाइन दबा के ले जा सकता है। ये पाइप लाइन इसी तरह से दबी हुई है, फिर भी इस संबंध में जो ना मीटिंग में इन सभी मुद्दों पर बातचीत की जाएगी, गांव वाले अपनी बात रख सकते हैं। बार बार जो ना अवैध कनेक्शनों की बात की जा रही है तो उसके ऊपर प्रशासन क्या कुछ रुख ले रहे हैं? इसके बारे में संबंधित विभाग ही उचित बात कह सकता है। हमारा काम कानून व्यवस्था को कायम रखना है, कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए हमने गाँव वालों की बात को सुना है, समझा है, उच्च अधिकारियों तक पहुँचा है। ग्रामीण आने के लिए तैयार हैं सोमवार को डीसी ऑफिस में? गांव वाले आने के लिए तैयार हैं, कुछ आपस में कुछ ग्रामीणों के हर एक ही मुद्दे पर अलग अलग मतभेद होते हैं, वो अलग बात है। समझदार व्यक्ति आपस में अब तक भी ऐसी बात नहीं है, भी बातचीत लोग कर रहे हैं और उनकी हम बातचीत कराएंगे। सर, इतनी भारी पुलिस बल यहाँ पर पहुँचा है, यहाँ पर परिस्थिति तनावपूर्ण थी? अभी किसी भी स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अपना एहतियात के तौर पर पुलिस बल नियुक्त किया था। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिएगा वीटीएस लाइव न्यूज़ को। अभी बस इतना ही, आने वाले समय में कुछ नई सूचनाओं के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। मैं सोमेश ढाका, वीटीएस लाइव न्यूज़ के लिए।